हेलो गाइस, माय नेम इज पवन नागर। तो इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के बारे में। ओके, तो देखिए हमारा टॉपिक चल क्या रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था सपोर्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस सपोर्ट के ऊपर। हमने आपको यूट्रस सपोर्ट की टोटल 4 वीडियो बताई थी, सारी अपलोड हो गई है। कहाँ मिलेगी? यूट्रस एनाटॉमी में। उसके बाद हमने राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। उसके बाद अब हम बात करेंगे राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, इसकी भी सेपरेट वीडियो। तो देखिए राउंड लिगामेंट को हम बेसिकली 2 पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे 1 डायग्राम एंड 1 थ्योरेटिकल पोर्शन। मतलब 2 पॉइंट में से एक पॉइंट होगा डायग्राम का, एक पॉइंट होगा थ्योरेटिकल पोर्शन का। तो इस वीडियो में बात करेंगे राउंड लिगामेंट की थ्योरी के ऊपर कि बेसिकली अगर एग्ज़ाम में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से सेपरेट क्वेश्चन पिकअप हो तो हम उसकी थ्योरी में क्या क्या लिखे, एंड देन फिर हम उसी थ्योरी से डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी की लाइन टू लाइन। तो देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन में मैं यहाँ पर टोटल आपको बेसिकली 4 पॉइंट्स बताऊंगा। 4 पॉइंट में से हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि बेसिकली राउंड लिगामेंट ये कहाँ प्रेजेंट होता है। दिस इज लाइज बिटवीन टू लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, टू लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। देखिए जो ये वाली लाइन लिखी है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसको कहाँ पे एक्सप्लेन किया है? ब्रॉड लिगामेंट के डायग्राम में। देखिए हमने ये वाला डायग्राम कहाँ ड्रॉ किया था? सपोर्ट ऑफ यूट्रस के 4th पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही होगी। एक दिख रही होगी यूटेराइन ट्यूब, एक दिख रहा होगा ओवेरी, एक दिख रहा होगा राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, और जो ग्रीन ग्रीन ये लाइन है ये क्या है? कपड़ा, यानी कि पेरिटोनियम। अब देखिए बेसिकली दिस इज़ द एंटीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज़ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो देखिए दोनों लेयर्स के बीच में ही क्या प्रेजेंट है? हमारा राउंड लिगामेंट। इसलिए यहाँ लिखा है लाइज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। उसके बाद हमने पूरा 4 पॉइंट के अंदर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट होगा दिस इज एंटीरो इन्फीरियर टू यूटेराइन ट्यूब, एंटीरो इन्फीरियर यूटेराइन ट्यूब। ये क्या है? देखिए खुद बोल रही है, ये वाला लाइन जो लिखी है ये लाइन खुद बोल रही है। क्या बोल रही है? एंटीरो मतलब यूटेराइन ट्यूब के आगे की साइड होगा और यूटेराइन ट्यूब के आगे नीचे, यूटेराइन ट्यूब के आगे होगा और नीचे होगा। तो देखिए वहीं ये भी हम इसी डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये यूटेराइन ट्यूब है, दिस इज एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर, मतलब यूटेराइन ट्यूब के आगे है और नीचे है। देखिए ना यूटेराइन ट्यूब के आगे भी है और आगे भी है और नीचे भी है। ओके, तो बेसिकली ये भी एक्सप्लेन हो गया इसी डायग्राम से। उसके बाद इसका 3rd पॉइंट होगा, अब बेसिकली हम इसको करेंगे ट्रेस। बेसिकली कोई लिगामेंट होगा, राउंड लिगामेंट होता है तो कोई लंबा सा होगा ना, कॉमन सी बात है। ओके, तो बेसिकली देखिए हमने आपको ये वाला डायग्राम बनाया था सपोर्ट ऑफ यूट्रस में और ये बताया था ये क्या है, दिस इज़ द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, यही राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है। तो बेसिकली इसको हम ट्रेस करेंगे 1 एंड टू 2nd एंड, मतलब इस एंड से लेके दूसरे एंड ऑफ 2nd एंड ऑफ राउंड लिगामेंट, इस मतलब यहाँ से लेके दूसरे एंड तक जाएंगे कि बेसिकली ये वाला एंड कहाँ पे अटैच होता है और ये वाला एंड कहाँ पे अटैच होता है और बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो हम अब इसे क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो बेसिकली ये स्टार्टिंग कहाँ से, मतलब कहाँ यूट्रस में कहाँ से अटैच होता है? तो दिस इज अटैच, मतलब यूट्रस में अटैच होता है लेटरल, लेटरल एंगल ऑफ, अब बेसिकली लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस ये क्या है? देखिए इसको यूँ समझ लीजिए, मतलब जहाँ से यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब निकलती है तो उसी के जस्ट पास में होता है लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस। कहाँ होता है? साइड, मतलब फ्रंट में नहीं होगा, बैक में नहीं होगा, यूट्रस के साइड में प्रेजेंट होता है लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस, जहाँ से फेलोपियन ट्यूब निकलती है। उसके बाद बेसिकली लेटरल एंगल से ये अटैच है यूट्रस में। उसके बाद आगे कहाँ गया? दिस इज फॉरवर्ड लेटरली। देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे हैं, अभी देखिए सारा हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर देंगे। फॉरवर्ड फॉरवर्ड लेटरली, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये गया डीप इंग्वाइनल लिंग में,
उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी इंग्वाइनल कैनाल, दिस इज इंग्वाइनल कैनाल। उसके बाद क्या आएगी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल ये क्या है, दिस इज इंग्वाइनल कैनाल। ओके, तो लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से गया, देन उसके बाद फॉरवर्ड लेटरली गया यूट्रस के, डीप इंग्वाइनल रिंग, देन इंग्वाइनल कैनाल, देन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बाद क्या हुआ, दिस इज स्प्लिट, मतलब बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट इंटू न्यूमरस थ्रेड लाइक फाइबरस बैंड, तो स्प्लिट इंटू न्यूमरस एन यू न्यूमरस थ्रीड टी एच आर ई एड न्यूमरस थ्रीड लाइक फाइबरस बैंड। ओके, तो ये जैसे सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिंक को इसने क्रॉस किया, उसके बाद ये मतलब बहुत सारे थ्रेड्स में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद बेसिकली ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे मर्ज होता है, दिस इज मर्ज विद एरियोलर टिश्यू ऑफ लेबिया मेजर्स, एरियोलर टिश्यू ऑफ लेबिया या फिर लेबियम मेजर्स। ओके, उसके बाद बेसिकली ये लेबियस मेजर्स में जाके मर्ज हो गया। देखिए, जो मैंने पूरा का पूरा इसका ये बताया था, मतलब इसका ट्रेसिंग बताई है, इसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो क्या है, दिस इज ओनली फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन। हमारा एम है इस वीडियो में कि हम ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करें राउंड लिगामेंट के ऊपर, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के ऊपर, ताकि हम इसे डिट्टो एग्जाम में लिख के आ सके। हमने बोला 4 पॉइंट में, तो ये ट्रेसिंग पूरी हो गई। देखिए, यूट्रस से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ, लेबिया मेजर्स में। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट वो ये कि बेसिकली देखिए फॉरवर्ड लेटरली जा रहा है, मतलब ये लेटरल एंगल ऑफ यूट्रस से अटैच हुआ और आगे की साइड गया, मतलब ये यूट्रस को आगे की तरफ खींचेगा। बेसिकली राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ये क्या है, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट। ओके, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट ही तो है, देखिए ना, ये रहा, दिस इज फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट या फिर मैकेनिकल सपोर्ट, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस उसी पढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला था, फाइब्रोमस्कुलर सपोर्ट यानी कि रस्सियाँ, सेकेंडरी सपोर्ट यानी कि कपड़ा। ओके, ये बताया था हमने सेकेंड वीडियो ऑफ सपोर्ट ऑफ यूट्रस में। तो रस्सियाँ है, तो बेसिकली ये लिगामेंट यूट्रस को आगे की साइड खींच रहा है, और बेसिकली एक और लिगामेंट होता है, आपको पता हो, हमने बताया था इसके इस डायग्राम में बताया था कि राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ये तो यूट्रस को आगे खींच रहा है, यूटेरोसेक्रल ये कहाँ खींच रहा है, यूट्रस को पीछे खींच रहा है, मतलब इसने आगे खींचा, इसने पीछे खींचा, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा एंगल ऑफ एंटीवर्जन, जो यूट्रस का एंगल होता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, उसको मेंटेन करते हैं कौन, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है मेंटेन यूटेराइन एक्सिस, ये वाला लिगामेंट और ये वाला लिगामेंट, मतलब ये रस्सी यूट्रस को आगे खींच रही है। अब यूटेरोसेक्रल, सेक्रल मतलब सेक्रल वर्टिब्रा, ये वाली रस्सी यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, ये वाली रस्सी यूट्रस को पीछे खींच रही है, ये आगे खींच रही है, ये पीछे खींच रही है, इससे क्या हुआ, यूट्रस में मतलब यूट्रस स्ट्रेट नहीं है, मतलब इधर सीधा नहीं है, उसमें कोई एंगल आ गया। एंगल क्यों आया, क्योंकि ये आगे खींच रही है, ये पीछे खींच रही है, तो इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीवर्जन। और ये दोनों लिगामेंट हमारे मतलब यूट्रस के एंगल ऑफ एंटीवर्जन को मेंटेन करते हैं, तो यही ऐसे यही लिख रखा है, मेंटेन यूटेराइन एक्सिस एंड एंगल ऑफ एंटीवर्जन। तो बेसिकली इसको मैं राउंड लिगामेंट में भी लिखूंगा और यूटेरोसेक्रल लिगामेंट में भी लिखूंगा। तो बेसिकली अभी हम राउंड लिगामेंट की बात कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एंटीवर्जन की बात मुझे यहाँ भी करनी होगी। तो वही पुल, ये पी यू है, पुल फंडस फॉरवर्ड, ओके, मतलब फंडस के जस्ट नीचे ही तो अटैच होता है ये, तो जो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है ये फंडस को फॉरवर्ड खींच रहा, मतलब आगे की तरफ खींचता है, और बेसिकली मेंटेन एंगल ऑफ एंटीवर्जन,
देखिए आप दो एंगल पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एंटीवर्जन, एंगल ऑफ एंटीफ्लेक्शन। ओके तो ये किसको मेंटेन करता है, एंगल ऑफ एंटीवर्जन को। ओके और बेसिकली हमने एक और लाइन बताई थी कि बैकवर्ड मतलब कि यूटरस को पीछे की तरफ कौन खींचता है, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। बैकवर्ड पुल, बैकवर्ड पुल कौन करता है, यूटेरोसेक्रल। सेक्रल मतलब सेक्रल वर्टीब्रा, पीछे तो होगी यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। ओके तो ये हो गया, तो हमने फोर पॉइंट के अंदर सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर दिया है। ओके देखिए आपको अगर एंगल ऑफ एंटीवर्जन समझ में नहीं आया तो आप क्या देखिए, आप देखिए हमारी सपोर्ट ऑफ यूटरस की सेकेंड वीडियो। क्या सपोर्ट ऑफ यूटरस की सेकेंड वीडियो, क्यों? क्योंकि देखिए हमने उसमें एक आपको पूरे सपोर्ट ऑफ यूटरस की एक स्टोरी बताई थी कि बेसिकली एक बंदा है वो एकदम सीधा खड़ा है, हमने बताया था ना विलन और हीरो की स्टोरी, एक बंदा एकदम सीधा खड़ा है। अब बेसिकली विलन ने क्या किया, हीरो को रस्सियों से बांध दिया। अब रस्सियों से बांध दिया तो बेसिकली जब बांधा नहीं था तब हीरो एकदम सीधा खड़ा था। अब बेसिकली विलन ने हीरो को, ये हीरो है इसको रस्सियों से बांधा पिलर के थ्रू, ये पिलर है, ये भी पिलर है इसको, ओके तो इसकी कमर को रस्सियों से बांध दिया। तो अब हीरो सीधा खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि एक रस्सी इसको आगे खींचेगी, एक रस्सी पीछे खींचेगी, एक रस्सी लेटरल साइड खींचेगी। ओके तो रस्सियों के कारण, मतलब राउंड लिगामेंट, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। ओके उसके अलावा एक लिगामेंट और होता है बेसिकली, कौन सा, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तो इन लिगामेंट के कारण बेसिकली अब यूट्रस स्ट्रेट नहीं रहेगा, उसमें एंगल आ जाएगा और उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एंटीवर्जन। तो आप देखिए सपोर्ट ऑफ यूट्रस की सेकंड वीडियो, तो आई होप आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि एंगल ऑफ एंटीवर्जन को बेसिकली राउंड लिगामेंट और यूटेरोसेक्रल लिगामेंट ये कैसे बनाते हैं। ओके तो दिस इज थियोरेटिकल वीडियो ऑफ राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस। इसके बाद हम अपलोड करेंगे इस सारों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कि इस सारी थ्योरी को हम डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करें। ओके क्योंकि बेसिकली आपको पता ही होगा कि एनाटॉमी में अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया आंसर में, मेन एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर में अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपके आंसर का कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छे नंबर गेन नहीं होंगे।